नमस्कार दोस्त भाई, अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी भी पर्सन के साथ व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी माध्यम से कोई भी इमेज या फिर किसी भी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करूं, तो वो स्क्रीनशॉट उनके पास जाए, बट उसमें जो प्राइवेट लाइन मैंने शेयर कर रखा है, यानी कि चैटिंग कर रखा है, वो प्राइवेट लाइन, प्राइवेट टेक्स्ट अगले बंदे को ना दिखे, या फिर फोटो जो आपने शेयर किया है, उस फोटो पर जो प्राइवेट लाइन लिखा हुआ है, प्राइवेट टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, वो प्राइवेट टेक्स्ट उनको ना दिखे, फोटो दिखे बट प्राइवेट लाइन ना दिखे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा ही ट्रिक या फिर तरीका कहिए बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आप प्राइवेट लाइन को हाइड करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। प्राइवेट लाइन हाइड रहेगा और सेम स्क्रीनशॉट आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है कॉन्फी ब्लर। देखिए ये रहा, कॉन्फी ब्लर, कॉन्फिडेंशियल ब्लर, ऐसा करके आपको नाम दिखेगा और प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन में हाइड हो जाएगा, आपको हाइड करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ पर तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, चूंकि अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे मोबाइल फोन में कहाँ पर है ये एप्लीकेशन, तो मुझे नहीं दिखेगा। मैं आपको सर्च करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, इसको मैं सर्च करता हूँ कॉन्फी। देखिए कॉन्फी के नाम से कोई भी एप्लीकेशन शो ही नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हाइड हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, सबसे अच्छी बात इस एप्लीकेशन में यही मुझे लगा। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट है ये भी काफी खास है। मान लो आपको किसी भी पर्सन के साथ कोई प्राइवेट चैट शेयर करना है, मान लो किसी भी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ओके, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट है, मान लो आपको यही स्क्रीनशॉट सेंड करना है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा लाइन है जो आपके लिए प्राइवेट है, खास है, बिल्कुल प्राइवेट है, और आप उस लाइन को किसी भी पर्सन के सामने रखना नहीं चाहते। जैसे मान लो ये एक लाइन है, पूरा का पूरा चैट है, और ये लाइन मेरे लिए खास है, या फिर ये लाइन मेरे लिए खास है, ठीक है, तो मैं इसे दिखाना नहीं चाहता, या फिर मैं यहां पर ऊपर में प्रोफाइल नहीं दिखाना चाहता, तो कैसे, क्या संभव है? बिल्कुल पॉसिबल है। सिंपल, आपको करना क्या होगा, यहां पर शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। सेंड पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहां पर आप स्लाइड कीजिए, ठीक है। स्लाइड करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्फी ब्लर, देखिए दिख रहा होगा कॉन्फी ब्लर। ओके, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इस उंगली से नहीं, किसी भी उंगली से कर सकते हैं, बस आपको जिस लाइन को हाइड करना है उस पर ऐसे करके ड्रॉ करना होगा। जैसे मुझे इस लाइन को हाइड करना है, तो देखिए देखिए ये हाइड हो चुका है, आप देख रहे होंगे, पूरा चैट में रीड कर पा रहा हूं, बट इस चैट को अब नहीं रीड कर पाऊंगा, इस लाइन को। ये आप यहां पर देख लीजिए, ऊपर में मैं इसे हाइड करना चाहता हूं, ठीक है, देखिए ऊपर में भी ये हाइड हो चुका है, और नीचे में आप देखिए इसको भी मैं हाइड करना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने इस लाइन को भी हाइड कर दिया। अब यहां पर देखिए पूरा का पूरा चैट तो मैं रीड कर रहा हूं, लेकिन एक पार्टिकुलर लाइन में रीड नहीं कर पा रहा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप को सेलेक्ट करना है, या फिर जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं आप सिंपली उसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आप सेंड कर दीजिए। देखिए सेंड का बटन आ चुका है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेंड कर दीजिए, तो देखिए ये सेंड हो चुका है। अब जब अगला बंदा इसे ओपन करेगा, यानी कि डाउनलोड करके, तो उसे कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहां पर लाइन हाइड है, और यहाँ पर ऊपर में भी देखिए हाइड है, ये भी लाइन हाइड है, लेकिन और मैं लाइन रीड कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी पार्टिकुलर चैट में पार्टिकुलर लाइन को हाइड करके दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं, तो है ना कमाल का तरीका। ओके, इसको आपको जरूर फॉलो करना है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुत मजा भी आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त, आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।